स्वागत है आपका माई किचन रेसिपीज में। आज मैं वेज नूडल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस कोरोना के समय में हम लोग बाहर से खाना नहीं खा सकते, तो आप घर पे बनाएं, कम सामान है तब भी बनाएं और खाएं, बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 3 गिलास पानी उबालने के लिए डाल दिया। और ये देखिए, इस तरह से मेरे पास नूडल्स से करीब 200 ग्राम पतले वाले मैंने लिए हैं। उसको हम बॉयल कर लेते हैं। जैसे ही बॉयल होने लगे पानी, तो हम इसको डाल देंगे। ये देखिए, बॉयल होना शुरू हुआ, तो इसको हम लोग इस तरह से मिलाएंगे कि ये सब अलग अलग हो जाए। सबको सेपरेट कर लेना है। ये जैसे ही बॉयल होगा ये हो जाता है। ये देखिए, मैंने आधा चम्मच इसमें नमक डाला है, इसे भी मिला लेते हैं। देखिए, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ये टूटना चाहिए मगर ये इसको मैश नहीं होना चाहिए। ये टूट रहा है, मतलब ये हो गया है, 90% कुक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इसको हम ठंडे पानी से धो लेंगे कई बार, 3-4 बार। इस तरह से देखिए ये हो गया है, और ड्रेनर से अच्छी तरह से इसको छान लेंगे हम। इसमें मैं कुछ चम्मच 2 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और ये नूडल्स जो है नॉन स्टिकी बन जाएगा, चिपकेगा नहीं एक दूसरे से। ये देखिए, अब मैंने एक अलग पैन गरम होने के लिए दिया है, इसमें हम 2 चम्मच रिफाइंड वाल लेते हैं। पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लें आप। इसके साथ ही कुछ कटे हुए लहसुन, और इसी तरह से मोटी साइज में कटे हुए ग्रीन चिली, ताकि बच्चे खाएं तो उसको हटा सकें। इसको हाई फ्लेम पे कुछ सेकंड भूनना है। साथ में हम ये प्याज इस तरह से कटे हुए, उसके साथ ही गाजर भी पतले स्लाइस में कटे हुए, सबको हाई फ्लेम पे ही भूनना है, चलाते रहना है। ये देखिए, ये हो गया। इसके साथ ही हम कुछ कैबेज और शिमला मिर्च है, उसको भी हम ऐड कर देते हैं, और 1 से 2 मिनट हम इसको इसी तरह भून लेंगे। इसके साथ ही मैं नमक भी ऐड कर देती हूँ, और ये सोया सॉस। बहुत सारे सॉस नहीं डालें, सब एक जैसा टेस्ट आ जाता है। कुछ कम सॉस में भी बना के देखें कैसा बनता है। और ये रहा ग्रीन चिली सॉस हमारा। ये देखिए, और इसके साथ ही मैं ब्लैक पेपर भी मिला दे रही हूँ। ज़्यादा पकाना नहीं है, इसे ओवर कुक बिल्कुल मना करें। इसके साथ ही देखिए, हमारा नूडल्स एकदम नॉन स्टिकी है, अच्छा है, तो इसे हम इसमें डाल देते हैं। कुछ इस तरह से मिलाएं कि ये ब्रेक ना हो, उसको टूटे नहीं ये नूडल्स। बच्चे सबको ये बहुत पसंद होता है, तो आप घर ही में बना के दें, बहुत टाइम भी नहीं लगेगा। जो सब्जियां वही डाल दें, उससे भी सही रहेगी। कुछ नहीं तो आप केवल प्याज भी डालेंगे और लहसुन, तो भी अच्छी लगेगी। ये मैं कुछ विनेगर्स डाल दे रही हूँ, इसको ज़्यादा ना डालें नहीं तो खट्टी हो जाएगी। और अच्छे तरीके से इसको मिला लें। देखिए, नूडल्स हमारा बिल्कुल टूटा नहीं है, इस तरह से मिलाने से टूटता नहीं है। ये देखिए, हमारा हो गया है रेडी। आप इंजॉय करें, मिलते हैं अगली रेसिपी में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।